मेरठ में जो रिजल्ट आया उससे तहलका मच गया पूरे उत्तर प्रदेश में। जी हां, योगी सरकार को जीत मिलनी थी जो मिली मेयर मेरठ का और बाकी करीब 17 जगहों का बीजेपी का ही बना है इन चुनावों में। लेकिन एक बड़ी न्यूज आई है मेरठ में, बीजेपी जीती जरूर है लेकिन सेकंड पोजीशन पे जो आए हैं वो एक टाइम पे लीड कर रहे थे वो हैं बीएसपी के नहीं, समाजवादी पार्टी के नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के। जी हाँ, एआईएमआईएम के अनस आए हैं नंबर 2 पर, जिसने बड़ा उलटफेर कर दिए। बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया जरूर जीते हैं 2,35,000 वोटों से, लेकिन एक समय पर अनस कुछ इलाकों से आगे चले थे, उन्होंने करीब 1,30,000 वोट जमा किए हैं। और ये कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने वेस्टर्न यूपी में एक बड़ी सेंध लगाई है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ सरकार ने और लोकल्स ने इस चीज़ को देखा है, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा उलटफेर और आगे जाकर ये चीज़ प्रॉब्लम बन सकती है, ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए। ये बात और है कि बाकी 16 जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई है। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का संज्ञान लिया है, वो भी देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सेकंड आई है। और वो अगर आगे जाकर भी ऐसा कुछ करती है तो याद रखें कि यूपी में करीब 19-20% मुस्लिम वोट हैं, और अगर ओवैसी एक बड़े प्लेयर बनना चाहते हैं तो ऐसे ही करके वो आगे बढ़ेंगे, ये वो चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं। और वो जानते हैं कि अगर वो 2-3 सीटें ले जाते हैं इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में तो आगे जाके वो कोएलिशन में लड़ेंगे और उससे उनकी सीटें और जगह भी बढ़ेंगी। एक और चीज़ आपको बता दें कि अयोध्या में एक मुस्लिम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं अपनी सीट। जी हाँ, वो नगर पालिका के इलेक्शन में जीते हैं। जी हाँ, करीब 11% ही मुसलमान हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन हिंदू अपने दोस्तों के सपोर्ट से वहाँ पर वो प्रत्याशी जीते हैं, और ये भी बड़ी बात है। सुल्तान अंसारी नाम है जिनके बड़े हिंदू सपोर्टर वहाँ पर हैं, और वो राम अभिराम दास वोट जीते हैं जो अयोध्या और राम मंदिर मूवमेंट के लिए सबसे आगे कहा जाता है। हालांकि मेयर के इलेक्शन बीजेपी ही जीती है अयोध्या में भी, जैसे पूरी उत्तर प्रदेश में जीती है, लेकिन वार्ड के इलेक्शन में उनकी हार होने के बाद भी जहां 89% हिंदू हैं वो एक चिंता का विषय है। हालांकि लोकली दोस्ती यारी में ये चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ है, कुछ 1,000 वोट 500 वोट का फ़र्क है और इतने ही वोटर्स हैं। लेकिन बीजेपी ने संज्ञान लिया कि आगे जाकर अयोध्या की सीट लोकसभा में उन्हीं की हो, वहाँ पर कोई इशू ना हो, और फिर असेंबली इलेक्शन जब भी होंगे वहाँ पर भी इस चीज़ का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कि लोकसभा आते आते यूपी में जो 17 सीटों का सफाया किया है बीजेपी ने बाकी पार्टीज का, क्या 80 सीटों पर फिर से बीजेपी 50 से ऊपर ले जाएगी, या असेंबली में इस बार अच्छा प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी बीजेपी को 40 या उससे कम में करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कहना तय है कि इस बार फिर से यूपी की बड़ी मदद से बीजेपी फिर से चुनाव जीतने वाली है।